भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को लाभान्वित किया है, जिसके चलते आज लोगों को भरोसा केंद्र व प्रदेश सरकार पर और मजबूत हुआ है। मोदी और मनोहर के नेतृत्व में भाजपा केंद्र व प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत माकडौला व जुडौला में आयोजित सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विश्व में हमारा उल्लेख नहीं होता था, लेकिन करीब 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। मोदी की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि न केवल देश अपितु विदेशों में भी उनको सुनने वाले लोगों का सैलाब उमड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि 9 साल के शासन में मनोहर सरकार ने प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास किया है। गुरुग्राम जिले की चर्चा करते हुए राव ने कहा कि प्रदेश के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गुरुग्राम में 2014 से पहले विकास ठप पड़े थे। 2014 में आप लोगों ने मुझे बादशाहपुर से विधायक बनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मैंने गुरुग्राम जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना एलिवेटेड हाईवे, अनेक अंडरपास भाजपा सरकार की देन है। सड़क निर्माण के साथ साथ मनोहर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम काम किए हैं। मेरी मांग पर मुख्यमंत्री ने बादशाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय मंजूर किया। हर क्षेत्र में गुरुग्राम जिले ने तरक्की की। उन्होंने माना कि पिछले 5 साल में बादशाहपुर का विकास नहीं हो पाया, लेकिन अगले 5 सालों में बादशाहपुर के विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये आप सभी हमारे बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने सभी ने पता है कि जो हमारे 4 साल खराब गए हैं, जो एक विधान बादशाहपुर विधानसभा के अंदर जो विकास होना था उसकी गति रुकी और हमने और पूरी जनता ने आज राव नरबीर की जरूरत है और मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि वे तन मन धन से मंत्री जी का साथ देके और हमने दोबारा हल्के में लेकर आना है और मंत्री जी को मंत्री बनाना है और सभी से धन्यवाद। जय के बाद हमेशा भी कहता हूँ कि जो दिल में स्थान मंत्री जी को पूर्व काल में दिया था अब भी वही स्थान है, तो कैबिनेट मंत्री जब थे अब है और आगे भी रहेंगे। उदाहरण जरूर दूंगा मैं, जब हमारा धनकोट बाईपास बना था, ये भी आपको पता ही होगा कि मंत्री जी के आग्रह पर और हमारे अनुरोध पर मंत्री जी ने तुरंत ही 1 मार्च 2019 को उसका उधारशिला रख करके 3 महीने के अंदर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 700 मीटर का डिस्टेंस बना करके तैयार कर दिया। बड़ी विकट समस्या थी और 2 दिन था आज तक मेरे ख्याल था वो रोड दोबारा से ठीक होया भी नहीं किसी सरकार के। हमें दूसरे विधायक की प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी लाइन इतनी लंबी है कि दूसरे के अपने आप गुण दिखाई देने लग जाती है। हमने इतने कार्यकाल के अंदर काम करवा रखे मंत्री जी के सहयोग के साथ में कि दूसरे कार्यकाल के अंदर तो हमने द्वारा को काम किया ना किया बराबर सही लग रहा है, कोई शून्यता। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमने अपनी लाइन इतनी ऊंची कर देनी कि मिटाने की आवश्यकता ना पड़े, कोई चर्चा ना करे कि फलाने विधायक ने कुछ काम करा, हमारे मंत्री ने इतना काम कर रखा। तो भाई जैसे मैं तो पहले भी मंत्री 2 बार यहाँ, एक बार लोकसभा के चुनाव में आए थे, फिर विधानसभा के में आए थे और पिछले काम को देखते हुए मंत्री कहने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इस नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रहो और आगे बढ़ते रहो। जो ये कमी रही ना पीछे, जनता कसूर नहीं था इसमें, देखो जी हमारा आपका कसूर थोड़ी था भाई, ये क्या बैठा था क्या नहीं वो आप जानो, लेकिन इनके इस टिकट ने फाड़ लो और फिर मारो काम है। नहीं हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हाँ जी आपने तो बाईपास भी वे भी, लेकिन खंबे है ना उनका वो लगा दो, बल्ब आ जाओ आप, आपके एडवर्टाइजमेंट करने क्या जरूरत है, आपके नाम के एडवर्टाइजमेंट हो रही है। मैं तो राकेश बोलता बाजे की बात कर रहा हूँ आपसे, सुनो आराम से। हम तो किसी भी काम के लिए गए हैं तो पहले ही नहीं के पास गए हैं।
नहीं भूले ना ये हमने भूले। वोट का जमाना आ गया और वोट क्या है, यहाँ आए और हाँ हाँ करके चले गए, लेकिन ऐसा नहीं करना। आए हो तो पक्का कह के जाओगे, वोट देंगे तो राम नरवीर। और इन्हीं के ऊपर पक्का सोचो, हाँ अगर कोई और आता है तो उनके कहते हो ना कि हम तो आवेंगे। हमारे गांव के लिए एक फातरपुर के लिए रोड नहीं था, हमारे सिर्फ 16 फुट का रास्ता था। बोले भाई कैसे बनाऊ, मुझे बनाना पड़ेगा, अभी बनवा दिया। दूसरे हमारे चौपाल थी, उसके लिए एंड के पास में गए तो इन्होंने जाती हाँ बदले बोला ठीक भाई वो भी करवा। और आप एकदम एक गारंटी तो बहुत घड़े कुछ है और वो गारंटी पूरी यही करेंगे और कोई आने जाने वाला कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं पूर्व मंत्री श्री राम नरवीर सिंह उनके साथ पार्षद हमारे भाई मनोज राणा इलाके की सरदारी मेरे ग्रामवासी मेरे साथी सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को मेरा प्रणाम। यूं तो मंत्री जी किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। श्री स्वर्गीय श्री राम महावीर सिंह जी से जो मिली इन्हें राजनीतिक विरासत हो चाहे या फिर सामाजिक धरोहर इन्हें जो मिली हुई है उनसे विरासत में, उनको ना सिर्फ इन्होंने बखूबी संभाला है बल्कि उन्हें कई कदम आगे भी ले गए और उसे आगे ले जाने के कारण ही आज ये पब्लिक के बीच ना सिर्फ एक लोकप्रिय नेता है बल्कि अपनापन और जुड़ाव भी सभी से है। और इनका यही दबदबा जो पिछली बार मनोहर लाल खट्टर सरकार थी उसमें भी दिखा। बादशाहपुर विधानसभा सीट की जो एक हैसियत थी वो किसी CM सीट से कम नहीं थी और इस बार हमारा किस हिसाब से क्या है वो हम सभी के सामने है। तो वो सब इनकी जो अपनी कार्यशैली विकास नीति और उन सबके दम पर ही रहा। जहाँ तक बात विकास कार्य की है, मतलब उसी दिन हमें बताया कि हमारे रास्ते बनाए था वो मैंने किया। आप लोगों का काम है, आप लोगों ने विधायक बना, हर पंचवर्षीय योजना में आप एक विधायक चुन के भेजते हैं। ये उस व्यक्ति की शख्सियत है कि वो मंत्री बनता है कि नहीं बनता है। ये मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार विधायक बना और तीनों बार मंत्री बना। भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार मेरी टिकट काट दी, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। राजनीतिक हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि ऐसी गोटी चल जाती है कि टिकट कट जाती है। तो भाई लोग कोई इश्तिहार छुपवाता है, कोई टेम्पू पर लगवाता है, कोई खंभों पर लिखवाता है। भाई मुझे कहीं लिखवाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो पैसे भी खर्च होते हैं। भाई इन सबको खंभों पर टके रहने दो, टेम्पू पर दीवार पर, मेरे को तो सिर्फ दिल में रखो। यदि आपको दिल से लगे कि भाई नरवीर सिंह आपके हकों की रक्षा कर सकता है, आपके इलाके का विकास कर सकता है, तो भाई एक ही बात है, कोई खर्चे की बात नहीं बताता, सिर्फ आपस में चर्चा करते रहो। कोई आदमी मिले तो भाई ये कहते रहो कि भाई नरवीर सिंह जीतेगा। अरे तुम्हारा कुछ खर्चा लगे मेरा काम चलते रहेगा, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। तो मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, भाई पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी मदद करना, मेरा काम पहले भी देखा है और आगे भी जो आप लोग कहोगे। सभी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मेरे साथ आए पार्षद और आस पास के गांव के सभी सरपंचों, गांव की सरदारी और जहां तक आवाज जानी सुनने वाली माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कई सालों के बाद आपके गाँव में सार्वजनिक तौर पर आ जाना हुआ है। साथियों 2014 से पहले के आप याद करो कि गुड़गांव और देश के क्या हालात थे। इस देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश का नाम देश में ही नहीं आज विदेश में भी होता कि इसी लोगों को बाहर जाने का अवसर मिला होगा। तो जब मैं पहले बाहर जाया करता तो भारत के लोगों की कोई कदर नहीं होती थी, लेकिन यदि आज हम बाहर जाते हैं तो इंडियन नाम से ही लोग पुकारते हैं कि भैया भारत का वासी है, मोदी जी के इलाके के रहने वाले हैं। तो उसमें एक अलग ही मान सम्मान मिलता है। और आप रोज टीवी देखते हो, दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम है, देश आजाद होने के बाद कितने प्रधानमंत्री बने, जो नरेंद्र मोदी जी का नाम आज दुनिया में है वो
कोई भी कहीं भी लड़ाई हो जाए तो आम आदमी ये कहता है, देश के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं नरेंद्र मोदी जी चाहे तो ये फैसला हो सकता है, ये युद्ध रुक सकता है। ये छोटी ताकत नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और देश ने इन दिनों में 3-10 सालों में कितनी तरक्की की ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार बनी है बहुत से लोग कहते हैं आजकल यार ये मनोहर लाल जी ने पोर्टल शुरू कर दिया, ये पोर्टल बड़ा गलत है, ये ऑनलाइन बड़ा गलत है। मैं एक चीज मानता हूँ, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन ये पोर्टल ये जो शुरू किया है ये आने वाले समय में हर आदमी को घर बैठे सुविधा मिल जाएगी। कोई आदमी 60 साल का होगा दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, आपकी पेंशन घर बन के आएगी। और भी जो भी सुख सुविधाएं सरकारी तौर पर आपको दी जाती है किसी दफ्तर की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि शुरू में जो भी कोई काम नया आप शुरू करोगे, घर में भी आप नया काम शुरू करते हो, मकान बनाने लगते हो, कोई ना कोई दिक्कत आपको आती है। तो ऐसे ही प्रदेश चलाने में कुछ कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन सारा सब चीजों का समाधान हो रहा है और इस प्रदेश में बहुत सी तरक्की की। और हम आप देखें गुड़गांव जिला के 2014 में क्या हालात थे और आज 2023 खत्म होने जा रहा है, 9 साल में कितना गुड़गांव जिले में विकास हुआ है। पहले भी गुड़गांव में सरकारें रही लेकिन क्या इतना विकास हो पाई, आप अपना दिल पर सोच के कहो कि भाई हम गुड़गांव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने विकास के काम किए। गुड़गांव का आप देखो चहुंमुखी विकास, पुराना गुड़गांव नया गुड़गांव में कितना अंतर था, आज गुड़गांव के हालात बदल गए। गुड़गांव में आपके बगल में कितना बढ़िया एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, कितना बढ़िया द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया, और कितने रोड आपके बीच में बन गए। नया गुड़गांव पुराना गुड़गांव की कनेक्टिविटी आने जाने में आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा राजीव चौक पे हिरोंडा चौक पर लगता था, आज आप सुगमता से आसानी से वहां से निकल सकते हैं, कोई देर नहीं लगती। आज मागडोला से भी आप गुड़गांव जाएंगे तो क्या 2014 से पहले इसी समय में पहुंच पाते जो आज पहुंच पाते। फिर भी मैं मानता हूँ जो दुनिया में विकास करता कमियां कहीं ना कहीं रहती है और आहिस्ता आहिस्ता समय अनुसार उनका सुधार होता है, नई नई चीजें बनती है। आज रोडों की और आवश्यकता है, जो गुड़गांव की आबादी कभी 30 लाख थी आज 30 लाख होगी, आज कई लाख गुड़गांव में गाड़ियां आ गई, तो रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चौड़ा चाहिए और रोडें नई नई बन रही है, बहुत से विकास के काम हो रहे हैं और आगे भी आपके बीच में होते रहेंगे। जहां तक मेरा सवाल है साथियों, पिछली बार राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कटी, कोई मैंने बुरा काम तो किया नहीं था, कोई पार्टी से मेरी दुश्मनी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ से टिकट देगी। लेकिन एक बात आपसे बीच मुकाते जाता हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल गया, ट्रेंड क्या चल गया कि पहले सर्वे करवाते, कोई भी पार्टी जब चुनाव में टिकट देती थी भाई कौन प्रत्याशी जीतेगा, ये सभी पार्टियां पहले तो बीजेपी कराया करती, अब कांग्रेस भी कराने लगी, और भी पार्टियां कई पार्टियां आएगी इस प्रदेश में, सभी पार्टियां सर्वे के आधार पर देती कि भाई ये आदमी जीतेगा इसको टिकट। तो भाई बहुत से लोग तो पेड़ों पर लटक रहे, कोई बम्बे पर लटक रहा, कोई टेम्पू में लटक रहा, कोई कहीं लटक रहा, भाई मुझे कहीं तो लटका, मुझे तो अपने दिल में रखो। और भाई ये पोस्टर इश्तिहार टेम्पू में लगाने पर सबके पैसे लगते हैं भाई, दिल में कोई नहीं लगा, सबके पैसे लगते हैं, चाहे वो आदमी लगाए चाहे वो कैंडिडेट लगा। मेरा कोई प्रचार की आपको आवश्यकता नहीं, ना दीवार पर लिखने की जरूरत, ना पोस्टर लगाने की, भाई आपस में बैठो तो चर्चा करो बस, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा कि भाई भाई नरवीर सिंह को वोट देने, नरवीर सिंह बनेगा वो मेरा काम चल जाएगा, थारी हो जाएगी, मेरा काम चलता। मैं तो हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि लगे कि नरवीर सिंह ने आपका 5 साल अच्छा काम किया तो आने वाले समय में चुनाव का समय नजदीक है, मुझे तो उम्मीद है चुनाव लोकसभा विधानसभा के अलग अलग होंगे, लेकिन हो सकता है 1% साफ हो जाए तो कुछ समय नहीं बाकी है, फरवरी में तो आखिरी में आचार संहिता ही लग जाएगी तो चुनाव हो जाएगा। तो मेरा आप सब उम्मीद है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा आप प्रचार करोगे मेरा काम चल जाएगा। काम आप लोगों ने देखा, कहने की जरूरत नहीं, जो काम मैं कर पाया जो मेरी ताकत थी, एक एमएलए आप बढ़ाते हो 5 साल में, जितना काम कर पाता है उतना मैंने काम करने की कोशिश करी, फिर भी बहुत सी कमियां रहेगी, जो कमी रहेगी उसको आगे पूरा करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई काम बाकी ना हो, मैं वो आज भी कहता हूँ कि चांद सितारे तारे वगैरह तो मेरे तोड़ के लाए जाएंगे नहीं, लेकिन एक विधायक की हैसियत से जो मैं काम कर सकता हूँ वो सारे के सारे आप काम करेंगे। और ये जो पुराने सरपंच बैठे हैं इनसे पूछ लो, चुनाव जब 2019 का आना था उससे 5-6 महीने पहले सारे सरपंच इकट्ठा करके इनसे हाथ उठवाए कि कोई काम गांव में बाकी है कि नहीं है, आज तक किसी विधायक ने उठाए सारे काम, जो इन पंचायतों जो पुराने सरपंच यहाँ बैठे होंगे इनसे पूछ लेना कि भाई इन्होंने जो काम किए कोई काम छूटा हो तो। हमारे फर्मनगर ब्लॉक है भाई, ये तो गुड़गांव ब्लॉक का आखिरी गाँव है, फर्मनगर ब्लॉक एक गुड़गांव का ऐसा ब्लॉक है जिसमें कॉलेज नहीं था। मैं बना तो गुरु नगर वाड़ा हूँ, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो 3 मांगे रखी थी,
एक हॉस्पिटल की, एक बाईपास की, एक कॉलेज की। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं विधायक बन जाऊंगा तो फिर रुकूंगा। हॉस्पिटल बन गया, कॉलेज आपका बन गया, बाईपास का रूपनगर का बन गया। तीन बार इंजीनियर बात की, भाई बहुत सी मांगे थी, उसको मांगे पूरी करी। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना पर सिर्फ प्रचार करते रहो, समय नजदीक है। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हो, आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपका भरपूर समर्थन, सहयोग और प्यार मिलेगा।